बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम स्टूडेंट्स टू योर अनदर लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस। हियर आई एम मिस सिद्रा आतिफ, योर कंप्यूटर टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द रिव्यू ऑफ योर फाइनल टर्म सिलेबस। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 3, मोर ऑन सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट सॉफ्टवेयर इन योर प्रीवियस क्लास, बट नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सॉफ्टवेयर इन डिटेल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, विच आर नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। First of all, let's have a review about what you have learned in your previous class. As you all have studied earlier that a computer is an electronic machine which can perform many tasks at the same time, and all the parts of a computer which can be touched or seen are called hardware. जैसे कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि एक वक्त में बहुत से काम बहुत तेज़ी से परफॉर्म करती है, और कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं या छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर्स, प्रिंटर एक्सेट्रा। A computer can do only what it is instructed to do. So instructions should be given to a computer to enable it to perform a task. Students, आप ये तो जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे बहुत से काम बहुत तेजी और आसानी से करता है, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ वो काम कर सकता है जो हम उसे instructions की सूरत में करने को देते हैं। These instructions must be written or enter into the computer in a proper way so that the computer can understand and follow them. Students, ये instructions computer को एक खास तरतीब में लिख कर देना ज़रूरी होती है। क्यों? इसलिए ताकि computer इन instructions को समझ सके और ठीक से काम कर सके। A group of instructions written in a manner that a computer can understand is called a program. A person who writes such programs is known as computer programmer. Students, instructions का एक group जो एक खास तरतीब में computer को लिख कर दिया जाता है उसे हम program कहते हैं, और जो कोई भी ये program लिखता है उसे computer programmer कहते हैं। Okay students, अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। असल में स्टूडेंट्स कंप्यूटर प्रोग्राम ही को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू डू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए दी गई इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप सॉफ्टवेयर कहलाता है। Software is the link or connection between the computer hardware and the user. To make the hardware works, we need to have software in the system. Without software, a computer cannot perform any task. Students, हम directly किसी भी hardware का इस्तेमाल नहीं कर सकते। Computer या hardware का इस्तेमाल करने के लिए software का होना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अभी जो आप स्क्रीन पर देख और सुन रहे हैं ये भी किसी सॉफ्टवेयर की वजह से पॉसिबल है जो कि आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन में पहले से मौजूद है। अनलाइक हार्डवेयर्स, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच बिकॉज दीज आर ओनली डिफरेंट सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। स्टूडेंट्स, हार्डवेयर को तो हम टच कर सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ कंप्यूटर को दी गई इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ओके स्टूडेंट्स,
जैसे कि आप कंप्यूटर में गेम खेलते हैं और मॉनिटर पे आपको वो गेम नज़र आ रहा होता है, लेकिन जो गेम आप खेल रहे होते हैं क्या हम उसको छू सकते हैं या पकड़ सकते हैं? नहीं, हम मॉनिटर को तो छू सकते हैं लेकिन गेम को नहीं, क्योंकि गेम एक सॉफ्टवेयर है जिसे ना तो हम छू सकते हैं और ना पकड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, हेयर आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर: माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, VLC मीडिया प्लेयर, गूगल क्रोम, एडोब फोटोशॉप, एवास्क एंटीवायरस। नाउ स्टूडेंट्स, हेयर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इन टू फॉलोइंग टू कैटेगरीज: नंबर वन, सिस्टम सॉफ्टवेयर; नंबर टू, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरीज होती हैं: नंबर वन, सिस्टम सॉफ्टवेयर; नंबर टू, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर की इन दोनों कैटेगरीज को हम इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज द एंड ऑफ द पार्ट वन ऑफ चैप्टर नंबर 3। If you have any query related to this chapter, please feel free to ask me on WhatsApp or Google Classroom. Thank you.